हेलो बच्चों, बढ़िया। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो क्या? पीछे का लेक्चर आप लोगों ने देखा या नहीं? देख लिया? बहुत थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा लेट से स्टार्ट किए और बीच में बहुत बड़ा गैप ले लिए कि हमको चाहिए कवर करने के लिए। थोड़ा पीछे आप लोग और बैचेस से थोड़ा बस पीछे हो एक चैप्टर, अदरवाइज मैं सारा कुछ मेकअप कर दिया हूँ। सो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको पहले दो चैप्टर करना पड़ेगा। वेब चल रहा है उधर, आपको ऑप्टिक्स ये जो प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? सो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ वेव। उसमें किसी को दिक्कत है? किसने डाउट नहीं भेजा? मतलब समझते हैं सब, किसी को दिक्कत नहीं है? आप लोग लेक्चर देखे हो कि नहीं? देख लियो। ये लेक्चर जो देखेगा उस पर कमेंट करेगा। क्या करेगा कमेंट? वेव। सुपर मैंने ना वेव, अगर आपने वेव कमेंट किया तो आप लेक्चर देखिए, ठीक है? सो अब हमने पिछले क्लास में जितना भी बात करें, हम बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ वेव का, बात करें जनरल इक्वेशन का, ठीक है? हमने पहले था क्या डिफाइन किया सर, बेसिक्स ऑफ वेव। फिर सेकेंड हम उसका जनरल इक्वेशन दिया कि जब वेव कौन सा इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या क्या कंडीशन होगा उसके लिए। फिर आपको जनरल इक्वेशन लिखना, अगर कोई गिवन टाइम पे दिया हुआ है आप कैसे जनरल लिख सकते हो, ये सब आपको करना है। बट हमको सिलेबस में जो मेनली पढ़ना साइन एंड सोडल वेव, मतलब जब इक्वेशन का वेव साइन या कॉस के फॉर्म में। जैसे हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, हमको ये वेव पढ़ना है वाई इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी हम इसी पर बात करते हैं, एक और होता है डेल्टा, उस पर बाद में बात करते हैं। तब यहां से एक के क्या होता है, ड्राइव कर देंगे क्या? तो ड्राइव कर देते हैं, ड्राइव कर। चलो आपको कुछ दे दिया y इक्वल टू साइन ए एक्स, को जनरल फंक्शन दे दिया ft इक्वल टू g, एंड वेव इज ट्रैवलिंग इन प्लस v, प्लस एट डायरेक्शन वेलोसिटी v। ये आपको इक्वेशन दिया है, कोई एक दे दिया, ठीक है? t इक्वल टू पे आपको इक्वेशन दिया है साइन ए एक्स। जनरल इक्वेशन क्या होगा? रिप्लेस एक्स बाय एक्स माइनस वी टी विल बी साइन ए इंटू एक्स माइनस वी टी, राइट? इट विल बी साइन ए एक्स माइनस ए वी टी। अब आप ये बताओ साइन कितने पे रिपीट करता है? टू पाई पे। अगर y का वैल्यू वो साइन ए एक्स है तो आफ्टर लैम्डा एक वेवलेंथ के बाद y का वैल्यू सेम या अलग अलग? सेम। अरे हाँ या नहीं? सो साइन ए एक्स इज इक्वल टू साइन ए इंटू एक्स प्लस लैम्डा। कैसे? अगर ये है इसके बाद तो रिपीट कर रहा है ना इस लैम्डा के बाद, मतलब जो वैल्यू एक्स पे वही एक्स प्लस लैम्डा पे होगा। दैट इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस ए लैम्डा। और आपको पता है साइन का पीरियड 2 पाई है, मतलब ए लैम्डा किसके इक्वल है? 2 पाई के। सो ए लैम्डा इक्वल टू 2 पाई, सो ए इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। दिस ए को हम लोग लिखते हैं के, दिस के इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। क्यों क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। वेव में आप लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में समय 1 बाय लैम्डा, बट एंगुलर वेव नंबर क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा। इसकी रिप्लेस कर रहे हैं ए से। तो क्या आ गया? साइन के एक्स माइनस के वी इंटू टी। अब बताओ के इंटू वी क्या होगा? के इंटू वी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू वी बाय लैम्डा। गिवन हमने क्या था? फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। 2 पाई एफ क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मेरा जनरल इक्वेशन क्या आ गया? साइन के एक्स के वी इक्वल टू ओमेगा, सो ओमेगा टी। प्रूफ कहीं इंपॉर्टेंट है, आपको रिजल्ट क्या रखना है? के इक्वल टू 2। अब हाँ, रिजल्ट बता रहे हैं क्या क्या आपको याद रखना है। अगर आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दिया था, यहाँ पे के क्या होता है? एंगुलर वेव नंबर, और यहाँ पे क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो के इक्वल टू है 2 पाई बाय लैम्डा,
वी इक्वल टू ओमेगा बाय के, ऐसे आपको बता चुके हैं कि बी बाय होता है वेक्टर ऑफ क्या ओमेगा बाय के, ओमेगा इज टू पाई एफ एंड एफ इक्वल टू क्या होगा ओमेगा बाय। आपको ये सब रिजल्ट से पता होना चाहिए कि अगर कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है साइन वेव का साइन के एक्स माइनस ओमेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन दिया हुआ है प्रूफ कहीं इंपॉर्टेंट है आपको बस करवा दिया ताकि आपको लगे मैंने क्या बोला, आपको एक दे दिया टी इक्वल जीरो पे इक्वेशन, अब हमको पता है कि हर लैम्डा बाद वाई रिपीट होता है, हमने बोल दिया साइन एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस लैम्डा, हर जो वैल्यू साइन का एक्स पे है वही एक्स प्लस लैम्डा पे है रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से साइन ए एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस ए लैम्डा, और साइन कब रिपीट करता है टू पाई के बाद, मतलब ए लैम्डा किसके इक्वल है टू पाई के, सर ए इक्वल टू टू पाई में लैम्डा हो गया, इसको बोलते हैं के लैम्डा, और इसको यहाँ पे ए को रिपीट रिप्लेस कर दिए के से, ताकि साइन के एक्स माइनस के वी टी, मतलब अब आपको जो इक्वेशन दिया जाता है वो इस फॉर्म में था साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कभी रहता है कि यहाँ पे साइन एक्स दिए, हो सकता है ये टू साइन एक्स हो थ्री साइन एक्स, अगर जनरल करें कुछ कुछ रहता है ए साइन एक्स, अगर जनरलाइज करेंगे क्या होगा ए ए यहाँ जाएगा ए, जनरलाइज कर दिए और जनरलाइज हो जाएगा ए ए ए। अब ये ए क्या होगा, अगर हम साइन का फंक्शन देखें तो साइन के फंक्शन में साइन का वैल्यू कहाँ होता है माइनस वन से प्लस वन, मतलब ये कहाँ से कहाँ जाएगा माइनस ए से लेकर प्लस ए तक, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ए, मतलब अब मैं समराइज कर रहा हूं, इफ यू हैव बीन गिवन वाई इक्वल टू ए साइन समथिंग के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ प्लस भी हो सकता है प्लस मीन्स वे भी चलेंगे माइनस आ जाएगा माइनस वे चलेंगे प्लस एक्स, तो हियर ए इज एम्पलीट्यूड, यानी साइन के डिफरेंस करो ए इज एम्पलीट्यूड केज एंगुलर वेव नंबर, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और आपको उसके रिस्पेक्ट में सारा रिजल्ट निकालना आता है, ठीक है। कोई दिक्कत सो कंफ्यूज करना काम पहले मैं यहां पे लिख दिया हूं, इसको मैं रिपीट इसको मैं मिटा रहा हूं और एक एग्जांपल लेके हम लोग एग्जाम्पल नोट कर लिया हो, वीडियो पॉज करो नोट कर लो, ओके सो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू सिक्स साइन टू पाई एक्स माइनस एट पाई टी मिलीमीटर, और क्वेश्चन में दिया x इज इन मीटर एंड t इन सेकंड, आपको इससे पहले ध्यान रखना पड़ेगा इस थीटा हमेशा डायमेंशनलेस होता है, राइट right? अगर x मीटर है तो ये पर मीटर है, ये t सेकंड मतलब ये पर सेकंड है, राइट right? ऐसे भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है पर सेकंड में होगा यहाँ पे, राइट right? सो और y है मिलीमीटर में, तो आपको पूछेगा फाइंड a एम्पलीट्यूड b एंगुलर वेव नंबर c एंगुलर फ्रीक्वेंसी डी वेवलेंथ ई फ्रीक्वेंसी एफ वेलोसिटी ऑफ वेव जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और x इक्वल टू वन मीटर एंड t इक्वल टू वन बाय 16 सेकेंड, इतना कुछ पूछा है,
एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये सब पूछा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी आपको ये सब निकालना है, फटाफट हो गया। चलो नहीं करो, इसका नहीं हुआ वीडियो पॉज करो, खुद से करो, फिर आंसर मिलाना, तभी बेनिफिट होगा। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से करो, फिर आंसर मिलाना, अदरवाइज कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। कर लिए, चलिए देखें, इसको कंपेयर करते जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या था, ए साइन के एक्स माइनस बी, इतना जनरल इक्वेशन ना। इसलिए ए क्या था, एम्पलीट्यूड, थोड़े एम्पलीट्यूड पर हमें लिख सकते हैं, हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए, ए क्या दिया हुआ है, 6 मिलीमीटर, बिकॉज यूनिट जो इसका होगा कि इसका, ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो जो यूनिट होगा इसका वही इसका होगा, अरे हाँ नहीं, सो ए इक्वल टू क्या हो गया, 6 मिलीमीटर, ए इक्वल टू 6 मिलीमीटर। ओके, के कितना दिया हुआ है, कंपेयर करते हैं, के है मेरा 2 पाई, और यूनिट क्या हो जाएगा, पर मीटर, बिकॉज एक्स इज इन मीटर, मेरा कितना दिया हुआ है, 8 पाई पर सेकेंड, इतना कुछ हमको दिया हुआ है। अब कंपेयर करते हैं, तो ए तो एम्पलीट्यूड है, डायरेक्ट आ गया 6 मिलीमीटर, राइट। एंगुलर वेव नंबर क्या था, के, इसका राइट आंसर आ गया 2 पाई पर मीटर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या था, ओमेगा, राइट आंसर आ गया 8 पाई पर सेकेंड। अब लैम्डा पूछा, आपको पता है के इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाय के, सो के मेरा कितना है, 2 पाई पर मीटर, सो 2 पाई बाय 2 पाई पर मीटर, दैट इज 1 मीटर, सो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा बाय 2 पाई, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, सो 8 पाई बाय 2 पाई, दैट इज 4 पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वेव सिंपल ओमेगा बाय के, तो सिंपल करते हैं बी बाय ए, तो 8 पाई बाय 2 पाई, असाइनमेंट क्या होगा, पर सेकेंड बाय पर मीटर, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, दैट इज 8 पाई बाय 2 पाई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब फिर पूछा y का वैल्यू, इस इक्वेशन में y रख दो, y इक्वल टू 6 sin, x कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, सो 2 पाई इंटू 1 माइनस 8 पाई, ये कितना दिया हुआ है, 1/16, दिस मच मिलीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 6 sin 2 पाई माइनस पाई बाय 2, 2 पाई माइनस पाई बाय 2, ये क्या हो गया, 3 पाई बाय 2, साइन का वैल्यू क्या होता है, -1, -6 मिलीमीटर। दिक्कत नहीं, सबका आंसर निकल गया, हो गया -6 मिलीमीटर, क्लियर बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन, सेम टाइम, अब मैं बात बोलता हूं, चाहे यहां साइन हो कॉस हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वाई का वैल्यू अलग आएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अगर यहाँ पे कॉस भी आता ना, तब भी ये मतलब मान लिया ए कॉस के एक्शन लगा दिया, तब भी के इक्वल टू पाई लैम्डा, ओमेगा इक्वल टू पाई एफ है, ए एम्पलीट्यूड है, सिर्फ ये चेंज है, वाई का वैल्यू चेंज है, यहाँ पे कॉस आ गया। सिर्फ क्वेश्चन देते हैं आपको, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है सिंपल, बिल्कुल सेम टाइप, y इक्वल टू 10 cos 4πx माइनस 10πt मिलीमीटर, फाइंड x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, फाइंड a एम्पलीट्यूड, b एंगुलर वेव नंबर, सी लैम्डा, डी फ्रीक्वेंसी, ई ओमेगा, एफ वेलोसिटी ऑफ वेव, जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और
एक्स इक्वल टू हाफ मीटर एंड टी इक्वल टू 1/10 फटाफट जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी हो गया ना। चलो मैं करूं सिंपल, हम कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ए कितना है 10 मिलीमीटर, के कितना है 4 पाई पर मीटर, व्हाट इज ओमेगा 10 पाई पर सेकेंड, राइट। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज 10 मिलीमीटर। व्हाट इज एंगुलर वेव नंबर, के का वैल्यू क्या है, तो ये kx में समझ आती 4 पाई पर मीटर। पढ़े लैम्डा, तो पता है कि k इक्वल टू 2π/λ, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2π/k, दैट इज 2π/k 4π, क्या होगा हाफ मीटर। कोई दिक्कत नहीं, जिनका गलत है बहुत मतलब पढ़ नहीं रहे हो, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, हमें फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा बाय 2π, दैट इज 5 पर सेकेंड। ओमेगा क्वेश्चन में दे दिया है 10 पाई पर सेकेंड, दृष्टि ऑफ वेव सिंपल भी बाय 10π/4π कितना हो जाएगा 5/2, डायरेक्शन में दे दिया अच्छा है 5/2 आई कैम पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, एक्स है मतलब आई कैम में जा रहा है। कोई दिक्कत, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो वाई का वैल्यू लिखते हैं, वाई इक्वल टू 10 cos, एक्स कितना दिया हुआ है 1/2, 4π × 1/2 माइनस 10π, और t कितना दिया हुआ है 1/10, सो 2π − π cos π − 1, सो −10 मिलीमीटर। पक्का ना, ऐसे वैल्यू पुट कर दिए, x इक्वल टू कितना है हाफ मीटर, t इक्वल टू 1/10 सेकेंड, 10 कैंसिल किया, पाई 2 × 4 2π − π पाई, सो 10 cos π दे −10 मिलीमीटर, सब कुछ निकल गया, सब कुछ निकल गया ना। So, ये सिंपल है। अब मैं बता रहा हूँ ये किससे से था, साइन और कॉस, अकल मत लगाना अपने मन से। हम जो आपको बताइए, ये जो बताए स्टैंडर्ड से, ये जो है इक्वेशन, ये साइन और कॉस में भरी गया, मतलब कुछ भी दिया हुआ है तो आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये ठीक है ओके। तो हमने साइन कॉस में क्यों वैलिड है दोनों में, हमने जो डिराइव किया आपको ध्यान रखना, वहां पे हमने लिया था पीरियड 2π, साइन और कॉस दोनों का पीरियड होता है 2π, मैं समझ पता हूँ फंक्शन पढ़ रहे हैं अभी, आप लोग फंक्शन पढ़ रहे हो ना, सब पढ़ते कहाँ हैं, बस प्रिंसिपल लेक्चर दे रहा है, उनका कहाँ लेक्चर है ना, हम देखते तो नहीं है, चल देख पहले क्या, तुम बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब 1 मंथ पहले रोलिंग लेक्चर है, तुम्हारा आज खत्म हो रहा है, हम क्या थे यूट्यूब पर तुम सवाल ले दिया, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तब तुमने लेक्चर देखा ना, असाइनमेंट किया क्या कहें, पहले हम पढ़ तो नहीं सकते हैं ना, दिक्कत यही है, वो होता तो हम पढ़ ही लेते, तुम लोग को पढ़ाई इतना लगता है, शाम उतना खुद पढ़ लेते, तुम लोग खुद पढ़ते नहीं, मुझे अपना कुछ अंदर आया ही नहीं है, पता नहीं कब आएगा, वैसे एग्जाम देना है, हमारा भी नाम कटा हो गया, चलो ठीक है। एनीवे सो ये सिर्फ अभी बोला साइन और कॉस में, और दोनों का पीरियड 2π, दोनों सेम टाइप का, साइन कॉस में इसको यूज कर सकते हैं। अब मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस एक चेंज करता हूँ, इसको कर देता हूँ साइन स्क्वायर, अब फिर से सारा कुछ क्या मैंने कर दिया साइन स्क्वायर, और आपको फिर से सारा कुछ यही सब कुछ, मैं 12 बोल रहा हूँ, वो जो सेटअप था ए वो साइन या कॉस के लिए था, बट हमने क्या कर दिया साइन स्क्वायर, फिर से ये सारा कुछ निकालिए फटाफट।
हो गया, जल्दी करो। कितना बोरिंग काम है अकेले में पढ़ाना, कैमरा को बस देखते रहो बोलते रहो पढ़ो, नहीं कितना मोटिवेट करना पड़ता हो अपने पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। चलो मैं करूं। देखो अब हम वो डायरेक्ट, चूंकि साइन कॉस में साइन स्क्वायर है, हमने क्या बोला कुछ भी ऐसा रहेगा तो आपका एम क्या है, आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, पता है ना, इसको कह सकते हैं वाई इक्वल टू जो मेरा है हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरा साइन स्क्वायर फोर पाई एक्स माइनस टू इक्वल टू टेन वन माइनस कॉस टू थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है ये टू पर मल्टीप्लाई करते हैं तो एट पाई एक्स माइनस ट्वेंटी पाई टी डिवाइडेड बाई टू राइट। अब इसको बाहर क्या गया टेन से मल्टीप्लाई किया टेन बाई टू फाइव माइनस फाइव कॉस एट पाई एक्स माइनस ट्वेंटी। अब ये मेरा इक्वेशन आ गया वाई इक्वल टू दिस। अब इससे कुछ चेंज होने वाला नहीं है, बस एक कांस्टेंट है, सिर्फ ये वाई का वैल्यू चेंज करेगा, अदरवाइज मेरा फिर से आ गया कॉस के जो मैथ में पता है फंक्शन में सिर्फ हर जगह फाइव ऐड हो जाएगा और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पीरियड वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, जो मैथ के में सब कुछ पता है बाय वालों को पता है बस करना कि कॉन्स्टेंट कोई फर्क देने वाला नहीं है ठीक है। अब बताओ यहाँ पे के कितना है, के एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर और यहाँ पे चोर 5 मिलीमीटर, के कितना है 8 पाई और एंगुलर वेव नंबर 8 पाई पर मीटर, तो लैम्डा क्या होगा 2 पाई बाय 8 पाई 1 बाय 4, कोई दिक्कत ओके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 20 पाई ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 20 पाई, कोई डाउट है नहीं, ड्रिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई 10 पर सेकंड, ड्रिफ्ट ऑफ वेव डी बाय 20 बाय 8 अगेन 5 बाय 4, 20 बाय 8 क्या होगा 20 बाय 8 इज 5 बाय 2, 5 बाय 2 आई कैप पहले भी यही आया, सब कुछ हो गया डिस्प्लेसमेंट में, आप इसमें वैल्यू रखो या यहां रखो, अगर यहां रखते हैं तो 10 साइन स्क्वायर 4 पाई वैल्यू कहीं को फर्क पड़ने वाला नहीं है, हाफ माइनस 10 पाई 1 बाई 10 क्योंकि साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर पाई 0 होता है, इसलिए 0 हो गया जी। समझे नहीं, ये सिंपल मेथड, जब भी साइन स्क्वायर क्या आपको होता है साइन कॉस कोई दिक्कत नहीं, और आपको एक्स्ट्रा में देता है साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2, और कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन इतना ही पूछता है, तो साइन रहेगा कॉस रहेगा साइन स्क्वायर थीटा रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन कॉस में जो दिया उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपको एक चीज और सिखा है, अगर आपको वाई इक्वल टू ये देगा तब भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, कॉन्स्टेंट में से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, कर लोगे कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, इस फार्मूला में आएंगे आंसर। इसका एक और तरीका, इसमें थोड़ा अकल लगाना है, ये सिंपल है, कुछ नहीं आपको मैथ्स करना है आंसर देगा, अगर थोड़ा अकल लगाए समझे तो अच्छी बात, फिर ये तो आता ही है, थोड़ा क्या अकल लगाना है, मान लीजिए साइन होता है या कॉस होता कुछ नहीं, साइन या कॉस होता इस पार्ट को छोड़ इस पार्ट को, साइन या कॉस कुछ भी रहता उसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, इसका पीरियड क्या होता है साइन स्क्वायर, मैं तो आपको बता रहा हूं इसका पीरियड क्या होता है पाई, मतलब पीरियड हो जाएगा साइन वाले से हाफ, आपको ऐसा भी पता है ना जो हमने लाए थे, तो पीरियड अगर हाफ होगा फ्रीक्वेंसी क्या होगा डबल, ओमेगा होगा डबल, समझो साइन एक है साइन दूसरा है साइन स्क्वायर, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई और इसका पीरियड क्या होता है पाई, अभी मैथ्स में पढ़ लो, मतलब साइन स्क्वायर पीरियड हाफ हो जाएगा,
मतलब जो टाइम पीरियड पहले आ गया होगा, अगर यहाँ टाइम पीरियड टी था तो यहाँ टी बाई टू होगा, अगर टाइम पीरियड हाफ हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा डबल, ओमेगा भी क्या होगा डबल। सो जो पहले ओमेगा आया था कितना था, पहले अगर साइन था ओमेगा कितना टू पाई टेन पाई, अभी ओमेगा कितना हो जाएगा ट्वेंटी पाई। डायरेक्ट हम देख के बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड हाफ हुआ मिस फ्रीक्वेंसी डबल होगा, ओमेगा डबल होगा, पहले ओमेगा था 10 पाई, इसको हटा देते ओमेगा कितना होता 10 पाई, स्क्वायर डालने से ओमेगा क्या हो जाएगा डबल। समझ रहे हो ना? अरे यार अगर ये रहता, हम इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हैं, इसमें और इसमें, अगर इसमें ओमेगा 10 पाई है साइन स्क्वायर में, अगर ये चीज दिया है ओमेगा इसका डबल हो जाएगा ना, बिकॉज टाइम पीरियड हाफ हो जाता, ओमेगा डबल कर दी डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा, ओमेगा बाय टू कर दो, देखना क्या क्या आंसर आया होगा। ओके, वी तो पता होता है हमेशा, कोई भी क्वेश्चन पिछले क्लास में किए थे, कुछ भी फंक्शन आएगा बी बाय ए होता है, टेन पाई बाय फोर था, वो चेंज करने वाला नहीं है, वो फाइव बाई टू बाई एफ है, तो वी निकल गया, तो लैम्डा क्या होता है ओमेगा, और अगर हमको मालूम है तो लैम्डा क्या होता है वी इंटू वी इक्वल टू एफ लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू वी बाय एफ, फाइव बाय 2 डिवाइड बाई 10, 5 बाई 20, 1 बाई 4 मीटर। जब लैम्डा निकल गया k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई 4, 8 पाई। यही सब देखो आंसर आया होगा। अब आया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको हम पिछले क्लास में करवाया था, साइन स्क्वायर ऑफ फंक्शन ग्राफ कैसा होता है ऐसा, और ये दिया हुआ है 10। अगर ये 10 मिलीमीटर है, एम्पलीट्यूड 10 या 5 पिछले क्लास में करवाए हैं, 10 या 5, 10 कैसे बोल रहे हो? इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड पिछले क्लास में करवाए कि नहीं करवाए? कि एम्पलीट्यूड इज मैक्स ऑफ एन पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ये नहीं ये है, यहां से कितना गया 5, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा 5। कोई डाउट है? नहीं ना, पक्का? सो अगर ये अकल में समझ में आ गया तो ठीक है, तो ठीक है। एक हमने क्या होगा, आपको जो दिया हुआ है साइन कॉस को दिया हुआ है, साइंस का कॉस करके आप उसको उस पार्ट में लेट ले जाओ, साइंस का एक्टर दिया तो आप कर लो 1 cos थीटा बाई 2, cos का एक्टर दिया तो 1 cos थीटा बाई 2 कर लो, ठीक है। और उसके अलावा सेकेंड मेथड मैंने बताया कि हम साइन से डायरेक्ट कंपेयर करके बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते हैं, कि साइन से साइंस का एक्टर में पीरियड हाफ हो गया इसलिए ओमेगा डबल हो जाएगा, अगर यहाँ 10 पाई था तो 20 पाई हो जाएगा, ओमेगा डबल हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा, और भी तो बी बार ए से सेम रह गया, तो लैम्डा उस से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आपसे कुछ फीडबैक तो मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं आप समझ नहीं समझ, आप तो कुछ बोलते भी नहीं हो ना, कुछ कमेंट करते हो वीडियो पे, क्या समझ में आया पता नहीं, कोई वीडियो देखता ही नहीं देखता है, हमको बनाने का मन ही नहीं कर रहा है इस वेब का वीडियो, सही बोल रहा हूँ, हमको लग रहा है कि मेरा वो एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आप लोग देखते नहीं हो। अगर इस बार आप लोगों ने डिस्काउंट नहीं किया, अपने नोट्स अगर आपको नहीं भेजा, तो सही में वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं वो कोई डिस्काउंट बोल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से हमको भी काम करने में मजा आता है, आप लोग नहीं पढ़े हम क्यों मेहनत करेंगे। मैं चिढ़ गया हूँ पूरा तुम दोनों से, तुम्हारे इस वाले बैच से, तुम कोई पढ़ाई नहीं करते, कुछ पढ़ने से मतलब ही नहीं है। ओके, अब एक नया चीज पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू a साइन एक्स माइनस वन। अब हमको अगर y निकालना है तो क्या क्या देना पड़ेगा, a देना पड़ेगा, k देना पड़ेगा, x देना पड़ेगा, हमें इतना कुछ देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा साइन। ये पूरा दिया रहेगा तभी आप किसी x और t के लिए y निकाल सकते हो। अब इतना कुछ नहीं देखे, अगर हम सिर्फ ये दे दें और a दे दें तब भी मेरा काम चल जाएगा, और बोल दिया कि फेज, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे अंदर के थीटा को क्या बोलते हैं, फेज, दिस थीटा इज कॉल्ड फेज। फेज क्या दे रहा है, इट गिव्स यूनिक एड्रेस ऑफ पार्टिकल, यूनिक एड्रेस ऑफ, मतलब फेज सिंपल एक एड्रेस है, इट गिव्स यूनिक एड्रेस ऑफ पार्टिकल,
मतलब अगर आपको किसी पार्टिकल का फेज मालूम है और एम्पलीट्यूड उसमें का मालूम है और फेज का पता साइन के लिए, कॉस में भी फेज इज डिफाइंड फॉर साइन वेव, अगर आपको कॉस में भी दिया हुआ है तो आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिफाइंड फॉर साइन वेव को ध्यान रखना है। और मान लिया हम बोले किसी पार्टिकल फेज पाई बाई टू, मतलब वाई होगा ए साइन पाई बाई टू, किसी पार्टिकल का फेज पाई है तो वाई होगा ए साइन पाई, और किसी का फेज पाई बाई थ्री है मीन्स वाई होगा ए साइन पाई बाई थ्री, फेज डिफाइंड फॉर साइन वेव, और हम सिंपली जो थीटा के अंदर है वही फेज है। तो हमको पूरा के एक्स ओमेगा टी ये सब कुछ नहीं देखे, डायरेक्ट क्या रहता है फेज, हम डायरेक्ट वाई इक्वल टू ए साइन फाई कर देंगे, दैट फाई इज कॉल्ड फेज, दिस इज फाई, इसका सिंबल क्या है फाई। और बहुत इंपॉर्टेंट आगे बहुत ही बस क्वेश्चन आप हुए में, तो दिस फाई दिस थीटा इज कॉल्ड फेज इज फाई, सो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए साइन। अब यहां पे मेरा फाई क्या हो गया के एक्स माइनस ओमेगा टी, सो एट एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो इस केस में फाई क्या हो गया जीरो, मतलब एक्स जीरो टी जीरो पे फाई जीरो से वाई जीरो, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो पे वाई इक्वल टू जीरो पर, जरूरी है क्या ये, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल जीरो पे फेज जीरो ही हो। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इस केस में फेज क्या होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। नाउ एट एक्स इक्वल टू जीरो इसे कंडीशन एट टी इक्वल टू जीरो फेज क्या हो जाएगा डेल्टा, पुट एक्स जीरो टी जीरो 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 प्लस डेल्टा, तो दिस डेल्टा इज कॉल्ड इनिशियल फेज बिकॉज इज फेज एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू जीरो, तो इस पूरे को बोलते हैं फेज। तो फेज हर पार्टिकल का अलग अलग हो सकता है, फेज पर पार्टिकल फॉर गिवन एक्स एंड टी, पर डेल्टा हमने वेव के लिए डिफाइन कर दिया, एक्स टी पे डेल्टा चेंज कर दिया क्या नहीं, तो ये सिर्फ फेज वेव के लिए डिफाइन किया। तो मेरा जनरल इक्वेशन क्या हो गया ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ए क्या है एम्पलीट्यूड, के क्या है एंगुलर वेव नंबर, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डेल्टा क्या है इनिशियल फेज। अगर डेल्टा नॉन जीरो है इसका मतलब पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई इक्वल टू जीरो पे नहीं है, कहीं और हो सकता है, जोड़ने का आपका हर पार्टिकल इनिशियल जीरो पे ही, तो उस केस में इनिशियल फेज रहेगा, मतलब एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल जीरो फेज जीरो नहीं है, मतलब डेल्टा जीरो कुछ डेल्टा का वैल्यू है, तो दिस डेल्टा इज कॉल्ड इनिशियल फेज, और इस इक्वेशन में डेल्टा क्या है जीरो, मीन्स इन दिस केस इनिशियल फेज इज जीरो, जनरल इक्वेशन ये होगा क्लियर पक्का। तो फेज मतलब सिंपल जो साइन के अंदर एंगल है उसको बोलते हैं फेज, साइन के अंदर जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं फेज, कोई डाउट नहीं पक्का। और फेज होता है जीरो से टू पाई, हमको साइन का जो एंगल होगा वो क्या रहना है जीरो से टू पाई, तो हम अपना फेज का वैल्यू क्या लेंगे जीरो से टू पाई, अब मान लिया एंगल आ गया थ्री पाई उसमें टू पाई सबट्रैक्ट कर दो मतलब फेज हो गया पाई, और एंगल आया फोर पाई फेज हो गया फिर से जीरो, टू पाई को जो जीरो करते हैं टू पाई और जीरो सेम फेज है, टू पाई से रिपीट होना शुरू कर जाता है क्लियर। सो हमको हमेशा रखना है फेज का वैल्यू जीरो से टू पाई, अगर मोर देन टू पाई आएगा आप उसमें टू एन पाई सबट्रैक्ट कर दो ठीक। क्वेश्चन करता है सम ए वाई इक्वल टू सिक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री मिलीमीटर, एक्स मिलीमीटर टी इन सेकंड, क्वेश्चन है वाला फाइंड इनिशियल फेज ऑफ वेव। Find phase of particle for so value that is the normal value 2 pi x minus 8 pi t for x equal to 1 meter and t equal to 1 by 2 seconds। फटाफट बहुत सिंपल है,
फाइंड इनिशियल फेज एंड फेज ऑफ पार्टिकल फॉर एक्स इक्वल टू 1 मीटर एंड टी इक्वल टू हाफ सेकंड। हो गया ओके। फॉर इनिशियल फेज सिंपल जो डेल्टा है, इनिशियल फेज क्या हो गया 5/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और फेज निकालना है, फेज जो थीटा के अंदर एंगल है, साइन है, सबसे पहले देखना है साइन है कि नहीं। हमेशा फेज किसके लिए डिफाइंड है, साइन के लिए। और यहाँ पे पॉजिटिव भी होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। हमने बोल दिया बिलीव करना था सिंपल ए साइन फाइव होता है, हमको सिंपल जब फेज देगा तो हम ए साइन फाइव करेंगे, मतलब सब कुछ मतलब इसी से कट होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस से हम उधर ले जाके प्लस कर पाई करके उसको लाना पड़ेगा। फेज डिफाइंड है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, मतलब ये है वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, तो इसके लिए फेज फाइव है। अगर यहाँ माइनस होगा उसको हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, परेशान नहीं होना है। तो फाइव इक्वल टू यहाँ पे रखते हैं एक्स 2π, x कितना दिया हुआ है पहले लिखते हैं, फाइव इक्वल टू क्या होगा जो अंदर एंगल है 2π x - 8π d। अब रख देते हैं x का वैल्यू क्या है 1 2π - 8π d कितना है प्लस पाई, क्या हो गया 2π - 4π - 2π + π d। अब ये है कि कुछ निगेटिव वैल्यू आ गया, हमने फेज को 0 से 2π रखना है, तो हमको हमेशा क्या करना है रिपीट करते रहना है। अरे हाँ या नहीं, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा कितना है बोलो, कितना है बोलो, -5π/3 ये ना। अब हमको बोले कि माइनस फाइव पाई बाई थ्री आ गया, हमको कहें 0 से 2π, तो भाई 2π ऐड कर दो, जब उसको 0 से 2π मिलाना है 2π और ऐड कर दो। रियल में अगर हमको आंसर लिखना है ये भी सही है, बट ऑप्शन अगर पाई बाई थ्री है तो हमको पाई बाई थ्री मार देना है, क्योंकि फेज हमको रखना है 0 से 2π। इसके बीच 2π का फेज 0, 2π 0 सेम है, इक्वल साइन है, 2π और 0 फेज सेम है। देखो साइन माइनस फाइव पाई बाई थ्री और साइन पाई बाई थ्री, उनका वैल्यू सेम ही होता है, जो हमें कोई अंतर नहीं है। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? नहीं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो फेज क्या हुआ इसका आंसर पाई बाई थ्री। अरे भाई ये आया ना, हम 2π ऐड कर, 2π बाद फेज रिपीट होता है, हमको 0 से 2π के बीच में लाना है, हम 2π ऐड करके उस बीच में ले आए, ठीक है। नेक्स्ट दे दिया y इक्वल टू 6 cos 2π x - 8π t + π/3 और सेम क्वेश्चन फाइंड फेज ऑफ पार्टिकल फॉर x इक्वल टू 1 मीटर एंड t इक्वल टू 1/8 सेकंड में दिया हुआ। तो अब ये किसमें है? cos में। हमको सबसे पहले कन्वर्ट करना है साइन में, बिना यहाँ कुछ चेंज किए साइन वगैरह, हमको साइन वेव में जान ले जाना है। हमको पता है साइन थीटा प्लस पाई टू इज कॉस थीटा, तो सिंपल कॉस है तो पाई बाई टू ऐड कर दो। सो वाई इक्वल टू क्या हो गया 6 sin 2π x - 8π t + π/3 + π/2। मीन्स अब इनिशियल फेज पाई बाई थ्रू नहीं है, इनिशियल फेज ये है π/3 + π/2 5π/6। क्लियर? यहाँ से इनिशियल फेज नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स इक्वल टू हमको फेज डिफाइंड किसके लिए होता है? साइन के लिए होता है। कोई डाउट? इनिशियल फेज क्या है? π/3 + π/2। सिंपल अगर दे दिया y इक्वल टू 6 cos kx - ωt, इसका इनिशियल फेज 0 है क्या? नहीं, इसका इनिशियल फेज क्या है? π/2, बिकॉज हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो π/2 अपने आप ऐड हो जाएगा। इसका इनिशियल फेज 0 नहीं है, π/2 है, बिकॉज ये 6 sin kx - ωt + π/2 है। अब यहाँ पे हमको फिर निकालना है, 5 इक्वल टू हो जाएगा 2π x
माइनस 8 पाई टी प्लस 5 पाई बाय 6. नाउ पुट x इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 1 बाय 8 माइनस 8 पाई इंटू 1 बाय 8 प्लस 5 पाई बाय 6. सो 2 पाई माइनस पाई पाई प्लस 5 पाई बाय 6 11 पाई बाय 6. सो इसका फेज क्या होगा एट गिवन इंस्टेंट 11 पाई बाय 6. क्लियर? कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है फिर बहुत. और अभी लोग परेशान है, लोग अपिक्स कर रहे हैं फेज में निकल से परेशान है. जिनको भी प्रॉब्लम हो फेज में पूरा ये वीडियो देखो. ओके नेक्स्ट दे दिए ये माइनस 8 साइन 2 पाई एक्स माइनस पाई टी प्लस पाई बाय 6. क्वेश्चन है फाइंड फेज ऑफ पार्टिकल फॉर एक्स इक्वल टू 1 मीटर टी इक्वल टू 1 सेकेंड. इसमें फॉर्म में है क्या? नहीं है. यहां माइनस साइन लगा हुआ है, साइन प्लस करना है. आपको पता है साइन थीटा प्लस पाई इक्वल टू माइनस साइन. Means, आपको इसको अंदर जाना है माइनस को, मतलब पाई ऐड कर देना है. सो y इक्वल टू इसको ये सकते हैं 8 साइन 2 पाई एक्स माइनस पाई टी प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई कर दिया. जो ही पाई ऐड किए माइनस साइन हट गया. सो आपको मैं बार बार यही तीन सकता है साइन कॉस और माइनस साइन. एक तीन का कोई क्वेश्चन दिया रहता है. इस तीन में अगर साइन में है डायरेक्ट फिर निकल जाएगा. कॉस में है तो पाई बाई टू ऐड कर देंगे. अगर माइनस साइन है तो पाई ऐड कर देंगे तो ठीक हो जाएगा. कोई डाउट नहीं? अब यहां पे एक्स पुट कर दो. सो फेज क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स माइनस पाई टी प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई. ठीक है. सो यहां पे एक्स पुट करते हैं तो जाएगा 2 पाई एक्स क्या है 1 माइनस पाई टी. ठीक है कितना है 1 प्लस 7 पाई बाय 6. पाई प्लस 7 पाई बाय 6 कितना गया 13 पाई बाय 6. इट इज मोर देन 2 पाई. सो 2 पाई अगर पुट रेंज में लाना है तो दैट इज इक्वल टू 13 पाई बाय 6 माइनस 2 पाई. इट इज पाई बाय 6. गुड आउट. नहीं ना तो सेम थिंग है. ये और ये फेस सेम है. अगर ऑप्शन में ये है तो चलो सही है, नहीं तो आपको ये मार देना है बिकॉज फेज हमको जीरो से टू पाई है. ये और ये दोनों फेज समय आपको बार 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 साइन टू पाई बार रिपीट करता है. और हमने फेज फाइंड किया साइन वेव के लिए. तो जब भी मोर देन टू पाई आएगा आपको टू एन पाई सबट्रैक्ट करके जीरो से टू पाई के बीच में ले आना है आंसर. क्लियर? सब आप फेज निकाल लोगे ना. होपफुली आपको तीन ही फॉर्म रहता है साइन कॉस माइनस साइन. साइन में जो अंदर थीटा है वही फेज है. कॉस में पाई बाय 2 ऐड करके साइन में कन्वर्ट कर लेंगे. फिर इसे बहुत सारा पूछा जाता है. बहुत को बहुत क्वेश्चन मिलेगा. ये ले लेगा y इक्वल टू a साइन के x माइनस ओमेगा t एंड y इक्वल टू a कॉस के x माइनस ओमेगा. क्या फेज डिफरेंस है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पाई बाय 2, ऑप्शन सी पाई, ऑप्शन डी नाइन. देखने से लग रहा है कि यहाँ पे तो कुछ एंगल है नहीं, बट यहाँ पे कॉस दे दिया. दिस इज सेम एज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. अब बताओ किसी पॉइंट के लिए इसमें से कितने का फेज डिफरेंस है? पाई बाय 2 का आंसर क्या होगा? पाई बाय 2. क्लियर? बट आउट है. और अभी कौन आगे चल रहा है? ये इसका फेज जा रहा है. अब मान लिए चेंज कर दिया, कुछ नहीं कर दिया y इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा. इधर कितने का फेज डिफरेंस है? सो हमको पहले हटाना पड़ेगा. इसमें आएगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई. अब इसमें क्या है? ए साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. कितना फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2.
और ये पूछते हैं किसी भी एक्स और टी के लिए, ये पाई है, ये पाई बाय टू है, कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाय टू का, किसका फेज ज्यादा है, कौन आगे चल रहा है, ये पाई ऐड किया, लेकिन आंसर पाई बाय टू, बट ये भी आगे चल रहा है, क्लियर, पक्का। नेक्स्ट अब मानते हैं कोई एक वेव है, एक साइन वेव लेते हैं, एक साइन वेव और हमको इक्वेशन दे दिया y इक्वल टू k साइन k साइन स्क्वायर, और हमको किसी भी दो पॉइंट के बीच, मान लिए इसके और इसके बीच निकालना है फिर, तो इसके लिए ये क्या होगा डिस्टेंस x1, और इसके लिए डिस्टेंस मान लिए x2 आपको दिया होगा, फाई वन क्या होगा किसी एट एनी टी, मतलब क्वेश्चन है आपके पास कोई एक वेव है, उस वेव में किसी इंस्टेंट पे एट एनी टी यू हैव टू फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ध्यान देना, किसी मीडियम में एक सिंगल वेव चल रहा है, वेव के साथ हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो हर पार्टिकल का अपना यूनिक एड्रेस है, अपना एक फेज है, तो हमको उसमें किसी दो पार्टिकल के बीच हम क्या निकालना है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल, बिटवीन टू पार्टिकल्स, एक सिंगल वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, हम उस वेव के किसी दो, उस वेव कारण मीडियम के किसी दो पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस निकाले, मान लें एक पार्टिकल कोऑर्डिनेट x1 है, कोऑर्डिनेट x2 है, तो इसका फेज क्या है, यहां पे फाई क्या है जो अंदर एंगल है, फाई वन क्या हो जाएगा कि x1 माइनस ओमेगा t, फाई टू क्या हो जाएगा x2 माइनस ओमेगा t, तो फॉर इज फाइ टू माइनस फाइव वन, और मॉडल डिफरेंस हमेशा मॉडल लेते, निगेटिव नहीं लेते, फाइ टू माइनस फाइव वन क्या हो जाएगा k x2 माइनस k x1 इसका मॉड, दैट विल बी इक्वल टू k इनटू मॉड ऑफ x2 माइनस x1, k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x, तो किसी इंस्टेंट पे ये क्या है, एट एनी इंस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ अ वेव ऑफ अ मीडियम, वेव में पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मींस इफ अ वेव इज प्रोपगेटिंग थ्रू अ मीडियम उस इक्वेशन हैविंग इक्वेशन y इक्वल टू a sin x cos ωt, वी आर ट्राइंग टू फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो वेव के कारण सब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो सबका कोई यहाँ पे है अभी, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, सबका अपना अलग अलग एड्रेस है, किसी के लिए वाई का वैल्यू ये है, किसी के लिए वाई का वैल्यू ये है, सबका अलग अलग एड्रेस है, तो अलग अलग फेज है, बिकॉज वाई इक्वल टू ए साइन फाइव एट फाइव इज यूनिक एड्रेस, हमको फाइव से वाई निकल सकता है, सबका अलग अलग वाई है यहाँ पे, तो सबका अलग अलग फेज है, किसी दो पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस निकालना है, हमने फाइव वन निकाल लिया, फाइव टू निकाल लिया, फेज डिफरेंस का ये फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, डाउट है, सिंपल है, तो यहां पे लोग कंफ्यूज करते हैं, क्या करना था, अगेन आपको बताने वाला हूं, अभी हमने एक सिंगल वेव लिया, उस सिंगल वेव के कारण सिंगल वेव किसी मीडियम से प्रोपगेट कर रहा है, तो हम उस वेव के कारण मीडियम के दो पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसे क्वेश्चन दे दिए, इसको मिटाएं, मिटा गए, लिख लियो, ओके, डेल्टा एक्स का उसके बीच का, मतलब उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये हो गया ना, एक्स टू माइनस एक्स वन यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, आपको हम वेव डिफरेंस डिफिनेशन छुड़वाए थे, अब बताओ फेज कब रिपीट हो रहा है यहाँ के बाद एड्रेस, चलो अभी रुक जाओ, आगे बात करते हैं, ये छाप लियो, पसंद करता है, ध्यान दीजिए, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू सिक्स साइन टू पाई एक्स माइनस टेन पाई टी प्लस पाई बाई थ्री, फिर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स
सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1/3 मीटर। तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 1/3 मीटर है, तो उसके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? अगर दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है 1/3 मीटर, तो उसके बीच फेज डिफरेंस क्या होगा? सिंपल है, पहले निकालेंगे लैम्डा, हम उसे फॉलो करते हैं, डायरेक्ट कैसे भी निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा क्या होगा? 2π/k, 2π/2 इस मच मीटर, इट इज 1 मीटर। सो अभी निकालें डेल्टा फाई होता है 2π/λ इंटू डेल एक्स, डेल एक्स क्या है 1/3, डे 2π/λ इंटू 1/λ कितना है मेरा 1। सो फेज डिफरेंस कितना गया 2π/3 आंसर। मतलब उस दोनों पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा 2π/3, कोई भी दो पार्टिकल इसके बीच का सेपरेशन ये है, फेज डिफरेंस 2π/3। क्लियर, सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर हम किसी मीडियम से वेव को प्रोपगेट करवा रहे हैं, हम किसी भी दो पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला 2π/λ इनटू डेल्टा एक्स। क्लियर, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा दिया था, ठीक है। Then find phase difference between point A and B. Find phase difference between point A and B. Find phase difference between point A and B. हो गया, सिंपल है। फिगर से को मिलेगा लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा 2 मीटर, व्हाट इज डेल्टा एक्स 1/4 मीटर, देन व्हाट इज डेल्टा फाई इज 2π/λ इनटू डेल्टा एक्स, व्हाट इज 2π/λ 2 इनटू 1/4, कोई डाउट है? नहीं, फिर हमें लगता है 2π/λ डेल्टा एक्स 2π/2 इनटू 1/4 और 2π/4, कोई डाउट नहीं। सो ये हो गया एक वेव के कारण किसी दो पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस। अब हम कर रहे हैं दूसरा सेट, ध्यान देना इसको, दोनों में अंतर है। अब हमारे पास दो अलग अलग सोर्स है, दो अलग अलग लाइट, मान लीजिए वेव का सोर्स है, एक ये है, ये एस वन है, ये एस टू, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो मतलब एक इसके पास वेव आ रहा है, दूसरा इसके पास। इसका इक्वेशन है, मान लेते हैं ए वन साइन के वन एक्स माइनस ओमेगा 1t जनरल टर्म ही है, इसको ये सब टर्म ही है, और इसका है k2 साइन k2 एक्स माइनस ओमेगा, ये ठीक है। अब यहां पे समझो, एक ऑब्जर्वर पास दो अलग अलग वेव आ रहा है। अब यहां पे जो वेव आ रहा है, इसके पास जो अभी वेव आ रहा है, हम उस दोनों के बीच अब फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब एक सिंगल वेव के कारण दो पार्ट के बीच फेज डिफरेंस निकाल रहे थे, अब यहां पे हम ये वेव आ रहा है, ये वेव इसके पास आ रहा है, किसी टाइम टी के पास जो दो वेव आ रहा है, हम उसके बीच का फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं। मीन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड डेल्टा फाई बिटवीन टू वेव्स, इसको हम बहुत यूज करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव में, एट टाइम टी, किसी टाइम पे। अब यहाँ पे एक सिंगल वेव नहीं है, मतलब एक ये आया, ये मान ले कुछ यहाँ से चल के आया,
एक्स वन, ये यहां से यहां चल के आ जाए एक्स, मतलब दो अलग अलग इसके पास आ रहा है, उस दोनों वेव के बीच यहां पे फेज डिफरेंस क्या, वो हम निकालना चाहते हैं कि जो पार्टिकल अभी इस वेव का यहां पे इस वेव का मीडियम में पार्टिकल होगा, कुछ ऑसिलेट करेगा, इसके कारण यहां ऑसिलेट करेगा, उसके बीच फेज डिफरेंस क्या, मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट दिस पॉइंट एट टाइम टी। तो इस टाइम पे इसका फेज क्या होगा, एक्स क्या रहेगी एक्स वन इसी टाइम टी पे निकाल देगा, और इसका क्या होगा जे टू एक्स टू माइनस टू। सो डेल्टा फाई इक्वल टू मॉड फाई टू माइनस फाई वन, दैट इज मॉड ऑफ के टू एक्स टू माइनस ओमेगा टू टी माइनस के वन एक्स वन प्लस टू वन, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ के टू एक्स टू माइनस के वन एक्स वन प्लस ओमेगा वन माइनस ओमेगा। आप बताओ टाइम के साथ अगर अलग अलग टाइम पे टी इक्वल पे जीरो हो जाएगा, टी इक्वल जीरो पॉइंट वन देगा कुछ वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ पे डेल्टा फाइ टी पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अलग अलग टाइम पे ये एक्स टू एक्स वन तो फिक्स है, बट यहाँ खड़ा है ये एक्स वन एक्स टू फिक्स, और जब यहाँ पे मान लिया बैठा हुआ है तो उसके लिए एक्स टू फिक्स है, एक्स वन फिक्स है, के वन के टू दिया हुआ है वेव के लिए, तो ये चीज़ तो फिक्स है, बट ये टाइम के साथ वैरी करेगा अलग अलग टाइम पे, टी इक्वल जीरो पे ये जीरो होगा, जब इसको दूसरा वेव मिलेगा उसके अलग टाइम होगा, तो अलग अलग टाइम पे डेल्टा फाइ अलग अलग होगा, मतलब डेल्टा फाइ इस केस में डेल्टा फाइ इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंड करता है, इसको हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज, बट इनकोहेरेंट सोर्स इफ फेज डिफरेंट टू सोर्सेज इज टाइम डिपेंडेंट, अगर दो सोर्स के बीच फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करता है तो क्या बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। यहां पे आप देख रहे हो कि ये पार्ट तो ठीक है, वो यहां पे खड़ा है तो एक्स वन एक्स टू फिक्स है, बट यहां पे टाइम आ गया, मीन्स टाइम के हिसाब से ये चेंज करते रहेगा, तो क्या बोलेंगे इनकोहेरेंट सोर्सेज, मीन्स फेज डिफरेंस इज टाइम डिपेंडेंट, फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज इज टाइम डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स, कट आउट छापो फटाफट छापो फटाफट छापो फटाफट फटाफट, समझने का फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट है क्योंकि टाइम पर आओ मैं ऊपर लगे डाल और हम यहां से ऊपर जाए। नाउ इफ इफ ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू हो जाए, अगर दोनों ओमेगा सेम मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, ये कब होगा जब फ्रीक्वेंसी सेम होगा, उस केस में ये वाला टर्म क्या हो जाएगा ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू टी क्या हो जाएगा जीरो, जब ये जीरो हो जाएगा मैं डेल्टा फाइ क्या हो जाएगा मॉड ऑफ के टू एक्स टू माइनस के वन एक्स वन। अब बताओ ये टाइम के साथ चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा, मतलब अगर यहां पे एक बार फेज डिफरेंस कुछ आ गया पाई बाय थ्री तो हर टाइम पे वो पाई बाय थ्री रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का टर्म आया ही नहीं, यहाँ पे टाइम अगर मान लिया अभी आया कुछ टी को जीरो पे आया कुछ ये पाई बाई थ्री, अगले टी पे कुछ और यहाँ ऐड हो गया, मतलब वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ टाइम फंक्शन में है ही नहीं, तो क्या फेज डिफरेंस टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब अगर एक बार हमने फेज डिफरेंस से टाइम पे निकाल लिया तो हर टाइम पे वही रहेगा, मतलब फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सो क्या बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। हम लोग आगे फ्रेंड्स पोर्शन आपके नाम से मिलने के लिए करते हैं कोहेरेंट सोर्स के बारे में, यहां पे डेल्टा फाई क्या है टाइम इंडिपेंडेंट, ये क्या है टाइम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। सो इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज टाइम इंडिपेंडेंट then they are called
कोहेरेंट सोर्स। अगर दो सोर्स के बीच फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इसमें टाइम कहीं फंक्शन में नहीं है, तो क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या सेम होगा? फ्रीक्वेंसी सॉन्ग नहीं, ये कब डिपेंड नहीं करेगा? जब ये टर्म जीरो हो जाए, मीन्स ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू हो जाए। कब? जब फ्रीक्वेंसी सेम आए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स आर ऑलवेज सेम। सो टू कोहेरेंट सोर्सेज विल हैव ऑलवेज सेम फ्रीक्वेंसी। टू कोहेरेंट सोर्सेज विल ऑलवेज हैव सेम मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। मतलब अगर दो सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, दे विल बी कोहेरेंट। बिकॉज अगर फ्रीक्वेंसी सेम, मींस ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू, सो ये टर्म हो जाएगा जीरो। फिर डिफरेंस विल बी टाइम इंडिपेंडेंट, फिर डिफरेंस टाइम इंडिपेंडेंट, मींस सोर्स आर कोहेरेंट। एम आई क्लियर? सो दो कोहेरेंट सोर्स का फेज डिफरेंस टाइम इंडिपेंडेंट होता है, उनका फ्रीक्वेंसी सेम होता है। क्लियर? ओके, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसको लिखिए, होपफुली आप लोग देखो, पॉज करके लिख लो। अगर आप नोट नहीं किया वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो। ओके, सो डेल्टा फाइव हो गया के टू एक्स टू माइनस के वन एक्स वन, यह गया डेल्टा फाइव। अब हम एक और एग्जांपल लें। इफ बोथ वेव्स आर ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, इफ बोथ वेव्स are traveling in same medium. Important है, अभी मैं सुपरसन ऑफ वेव पढ़ा रहा हूँ, मतलब वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। लोग यहाँ परेशान हैं, आज ही खत्म किया ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ में, लोग परेशान हैं सर क्या कर दे रहे हैं। यहाँ से समझो, अगर दोनों सेम मीडियम, अगर ये और ये इसका मीडियम सेम है, अगर इसका इसका मीडियम सेम, मतलब वेलोसिटी क्या होगा? सेम, वी सेम, और फ्रीक्वेंसी हमने पहले सेम कर लिया कोहेरेंट सोर्स के लिए, तो के क्या होता, मतलब लैम्डा क्या होगा? वी बाय एफ। ये भी क्या हो जाएगा? सेम। मतलब के भी क्या हो जाएगा? के इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा। ये भी सेम, मीन्स के वन इक्वल टू। सो यहाँ पे मैंने के वन इक्वल टू के टू, सो डेल्टा फाइव इक्वल टू हो गया के एक्स टू माइनस के एक्स वन। के बाहर ले लिए, लॉग एक्स टू माइनस एक्स वन टू पाई बाय लैम्डा। और यहाँ डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करूँगा, वेट। और डेल्टा फाइव क्या है? फेज डिफरेंस। पहले आपको समझना पड़ेगा दो चीज। पहले हमें पिछला जो सेटअप, पिछला जो क्वेश्चन था, डेल्टा फाइव इक्वल टू पाई डेल्टा एक्स, सब फॉर्म यह था ना, डेल फाइव इक्वल टू टू पाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। बट वो क्या था वहां पे डेल्टा एक्स? वहां डेल्टा एक्स था दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो एक सिंगल वेव था। और वो सिंगल वेव जब ट्रेवल किया, किसी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस था। बट यहाँ पे दो अलग अलग वेव आ रहा है किसी एक पर्सन के पास, तो यहाँ डेल्टा एक्स है कि दो अलग अलग वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो पाथ लेंथ ट्रेवल कर रहा है, उस पाथ लेंथ का डिफरेंस, मतलब पाथ डिफरेंस। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? हमने क्या क्या एग्जांपल दिया? पहले ये एग्जांपल दिया था, जनरल आया था मॉड ऑफ के टू एक्स टू माइनस के वन एक्स वन प्लस ओमेगा वन ओमेगा टू इनटू टी। पहले ये आया था, जो मेरा जनरल आया था वो ये आया था, डेल फाइव इक्वल टू मॉड ऑफ के टू एक्स टू माइनस के वन एक्स वन प्लस ये। अभी मैंने निकाला मेरा जनरल ये आया था के टू एक्स टू माइनस के वन एक्स वन प्लस ओमेगा वन ओमेगा टू टी। अब हमने पहला एग्जांपल लिया सोशल कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी आर सेम, पहला एग्जांपल लेके ये आया। दूसरा, यदि आर ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, तब ये आया। मतलब इसको जो आप अप्लाई कर रहे हो, डेल फाई इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये कब अप्लीकेबल है? दो कंडीशन है, पहला सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, दूसरा दे शुड ट्रैवल इन सेम मीडियम। अभी आप आगे हुए ऑप्टिक्स में, एक चलेगा एयर चलेगा स्लैब में, तो डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहले दोनों को सेम मीडियम में पाथ लेंथ निकालना पड़ेगा।
ये तभी अप्लीकेबल है इफ बोथ वेव्स आर ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, तब हमने के2 इक्वल टू के1 किया ना, अगर मीडियम सेम है मतलब वेलोसिटी सेम, अगर वेलोसिटी ऑफ वेव इज मीडियम डिपेंडेंट, अगर v सेम है और फ्रीक्वेंसी हमने पहले सेम कर लिया क्योंकि कोहेरेंट सोर्स है, तो v सेम f सेम, तो इसका मतलब है लैम्डा v / f ये भी सेम होगा, लैम्डा सेम मतलब k सेम मींस k1 इक्वल टू k2, इसलिए हम k को बाहर ले लिए और नो लेफ्ट टू सेक्स, मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x का एप्लीकेबल है when both sources are coherent and they are traveling in same medium. Clear? कोई डाउट है? नहीं. पक्का? इसको छापो फटाफट, छापो फटाफट, छापो फटाफट. मिटाएं? चलो मिटा रहे हैं. मिटाते हैं. क्वेश्चन करते हैं, हमने क्या लिखा, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एस, एंड डेल्टा एस पार्ट ऑफ इट, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए एक साउंड सोर्स है, ये बात पहले का साउंड करते हैं, यहाँ पे एक सोर्स ये है, सोर्स टू है, यहाँ ऑब्जर्वर है, मान लीजिए इसने ट्रैवल किया लैम्डा बाय 3, ये ट्रैवल किया लैम्डा बाय 2, देन फाइंड डेल्टा फाई बाय 4, दैट आर इन सेम मीडियम, कोहेरेंट सोर्स है, सब माना जो भी कभी कर रहे हैं वो ट्रैवल का सेम मीडियम है, दे आर कोहेरेंट, एस वन एस टू का फ्रीक्वेंसी सेम है, ये यहाँ से लैम्डा बाय 3 ट्रैवल किया, लैम्डा बाय 2 ट्रैवल किया, यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा फाई एट ओ पॉइंट ओ, सिंपल है, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इसने चला लैम्डा बाय 2, इसने चला लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 3 6, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा लैम्डा बाय 6, सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 6 दैट इज पाई बाय 3, निकला डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं ये मानते हैं कि स्क्वायर टाइप, ये बना नहीं, ये स्क्वायर है अपसाइड लैम्डा बाय 3, यानी स्क्वायर अपसाइड लैम्डा बाय 3, अब यहाँ पे एक साउंड सोर्स है, एक हो जाएगा डायरेक्ट सर यहाँ से होके जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर एक बैठा डिटेक्टर रखा होगा, तो वहाँ पे जो दो साउंड पहुँच रहा है इसके बीच यहाँ फेज डिफरेंस क्या होगा, यू हैव टू फाइंड डेल्टा फाई फॉर डिटेक्टर डी, उसके लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा फाई ऑब्जर्व बाय डिटेक्टर, सिंपल है, हो गया, देखो यहां तक दोनों इक्वल चला, इसके बाद भी इक्वल चल रहा है, सिर्फ गेम यहां पे है, तो अगर हम डेल्टा एक्स निकालें तो जो इधर गया कितना, लैम्डा बाय 3 प्लस लैम्डा बाय 3 प्लस लैम्डा बाय 3 लैम्डा, और जो इधर से डायरेक्ट निकल गया कितना चला, सिर्फ लैम्डा बाय 3, अरे हाँ नहीं यहाँ तक दोनों साथ चला, इसके बाद दोनों साथ चला, अरे एक वेव आया तो ऐसे जाना है, एक वेव ऐसे आया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और ऐसे गया, और दूसरा वेव यहाँ से डायरेक्ट चला गया, तो यहाँ तक दोनों चला, इसके बाद दोनों चला,
जो इधर गया है वो लैम्डा बाय थ्री प्लस लैम्डा बाय थ्री प्लस लैम्डा बाय थ्री लैम्डा चला, और जो इधर गया उसे लैम्डा बाय थ्री चला। कितने का गैप है पार्ट डिफरेंस का, ये लैम्डा माइनस लैम्डा बाय थ्री, टू लैम्डा बाय थ्री। समझा नहीं? पक्का सिंपल है। तो व्हाट इज डेल्टा फाई, दैट विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय थ्री, सिंपल। कोई डाउट? नहीं गलती की है? नहीं। अरे हाँ, 2 लैम्डा बाय थ्री है ना, सो हो गया 4 पाई बाय थ्री। अब क्लियर है? नेक्स्ट। सीधा मेरा फिगर बनता नहीं है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है। ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल। अब फिर से तो हो जाएगा, एक इधर से गया एक डायरेक्ट गया। ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल। और ये फिर से लैम्डा बाय थ्री, यहाँ एक सोर्स था, यहाँ डिटेक्टर है। फाइंड फेज डिफरेंस, फाइंड फेज डिफरेंस ऑब्जर्व बाय डिटेक्टर, फटाफट फटाफट फाइंड फेज डिफरेंस ऑब्जर्व बाय डिटेक्टर। हो गया सिंपल। एक जाएगा ऐसा जिसका नहीं हुआ अभी खुद से करो, और दूसरा जाएगा डायरेक्ट। सो यहां पे दोनों का सेंस के बाद ही सेम है। ये जो जा रहा है उतला लैम्डा बाय थ्री प्लस लैम्डा बाय थ्री, टू लैम्डा बाय थ्री, और ये सिर्फ इतना चला लैम्डा बाय थ्री, लैम्डा बाय थ्री। सो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय थ्री, 2 पाई बाय थ्री। इस समय में बहुत स्लो पढ़ा हूँ, बहुत स्लो, हमें खुद लगता है कितना स्लो पढ़ा, लेकिन उसके बाद ही आप लोग बोलते डाउट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ओके, एक और बस आ जाएंगे, फेज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कराया हूँ एक फेज में आपको। मानते हैं यहाँ पे एक वाल है और यहाँ एक साउंड सोर्स है, ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वर है, और ये डिस्टेंस लेट से जूम लैम्डा बाय सिक्स। अब इसके पास दो आएगा साउंड, एक आएगा डायरेक्ट और एक आएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट। यू हैव टू फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू साउंड रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू साउंड रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। क्लियर है ना? उसको एक मिलेगा डायरेक्ट और एक वॉल से रिफ्लेक्ट हो गया, उसके बीच फेज डिफरेंस क्या हो? फटाफट फटाफट हो गया। देखो मान लिया L1, जो डायरेक्ट है कितना चला L1, जो रिफ्लेक्ट होकर गया आया वो पहले गया L1, फिर यहां से आ गया लैम्डा बाय सिक्स, और फिर रिफ्लेक्ट हो गया लैम्डा बाय सिक्स। समझे कि नहीं? जो डायरेक्ट गया वो यहां से आ गया सोर्स से ऑब्जर्वर, कितना गया L1, जो रिफ्लेक्ट हो गया पहले यहां से आ गया L1, फिर यहां से आ गया लैम्डा बाय सिक्स, फिर यहां से आ गया लैम्डा बाय सिक्स। क्या हो गया? ये L1 प्लस लैम्डा बाय थ्री। सो व्हाट इज डेल्टा एक्स? लैम्डा बाय थ्री। सो व्हाट इज डेल्टा फाई? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय थ्री। क्या बात है? समझे नहीं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो डायरेक्ट गया उसको सोर्स में गया L1, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है पहले गया सोर्स से और यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब L1 प्लस लैम्डा बाय सिक्स, फिर यहाँ से यहाँ आया प्लस लैम्डा बाय सिक्स, कितना हुआ L1 प्लस लैम्डा बाय थ्री। डेल्टा एक्स का दिस माइनस दिस दैट इज लैम्डा बाय थ्री, डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा लैम्डा बाय थ्री, दैट इज 2 पाई बाय थ्री। होपलेस क्लियर? ठीक है,
ओके सो यहाँ पे हमने फेज एंड कर दिया। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्प्लेस वेलोसिटी एंड सम ऑफ पार्टिकल, ठीक, और वे अच्छा टॉपिक है, बट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब चलेंगे पूरा फेज पे ही है, पूरा फेज पे, फेज क्लियर है आसान रहेगा। तो आप अच्छे से इसको समझ लेना, जो दिक्कत होगा पूछ लेना, इसमें कोई डाउट नहीं रहना, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना है बिल्कुल। ओके होपफुली आप लेक्चर देखोगे, उसको अच्छे से नोट्स बनाओगे, मैं इसका नोट्स मांगूंगा आपसे, ठीक है। ओके बाय बाय।